धर्मशाला पहुंचते ही नूरपुर से विधायक और मुख्यमंत्री जयराम के नए सिपाह सालार वन मंत्री राकेश पठानिया ने भाजपा और सरकार की ओर से विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। पठानिया ने कांग्रेस द्वारा निचले हिमाचल खासकर कांगड़ा को लेकर भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाने के बयानों को अफवाह और भ्रम फैलाने की साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे इस भ्रम को मौजूदा भाजपा सरकार पूरी तरह खत्म कर देगी। भाजपा सरकार ने प्रदेश में सत्तासीन होने के साथ ही पूरे प्रदेश के विकास को एक समान गति प्रदान की है। इसमें चाहे सरकार के कैबिनेट में कांगड़ा के विधायकों को तरजीह देने की बात हो या फिर जिला के विकास कार्यों को शुरू करने की बात हो। वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि कांग्रेस जिला कांगड़ा को लेकर हमेशा जनता के सामने भ्रम फैलाती है, जबकि भाजपा ने कांगड़ा को विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ तीन मंत्रियों सहित योजना बोर्ड उपाध्यक्ष का पद भी दिया है। राकेश पठानिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के अगले मुख्यमंत्री भी जयराम ठाकुर ही होंगे, लेकिन कांग्रेस का नेता कौन होगा किसी को पता नहीं। पठानिया ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत इतनी ठीक नहीं है कि वे चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 14 लोग ऐसे हैं जिनमें मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर, प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश शर्मा व सचिव पर बीरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। पठानिया ने कहा कि जल्द ही उनके विभाग द्वारा नई स्पोर्ट्स नीति कैबिनेट में लाई जाएगी और आगामी 15 सितंबर तक इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई खेल नीति आने के बाद ऐसे सभी खेल संगठनों को पंजीकृत किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि जल्द ही जिला कांगड़ा में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये जो भ्रम एक मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश में कांगड़ा को लेकर, भाजपा को लेकर फैलाने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उस मिथ को मैं आज आपके बीच में स्पष्ट करने के लिए और समाप्त करने के लिए आपके बीच में आए हैं। मुझे आज तक समझ लगा कि ऐसा क्या विषय आया कि जिसमें कांगड़ा को लेकर बार बार इस बात की चर्चा आती है कि कांगड़ा का नेतृत्व और कांगड़ा और शीर्ष नेतृत्व के बीच में क्या सब कुछ ठीक नहीं है या कांगड़ा को लेकर सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष भाई विपिन परमार जी कांगड़ा से आते हैं, भाई विक्रम ठाकुर जी हमारे साथ मित्र हैं, हमारे मंत्री हैं इंडस्ट्री के भी और ट्रांसपोर्ट के भी, बहन सरवीन चौधरी जी भी यहाँ से मंत्री हैं, भाई रमेश ध्वाला जी भी यहाँ से मंत्री, एक इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास फाइनेंस कमीशन का वाइस चेयरमैन के रूप में, और सरकार के सहयोगी, और उनके अलावा हमारे पास 7 विधायक बचते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बढ़िया कार्य निभा रहे हैं। संगठन की दृष्टि से सारे संगठन के प्रमुख लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जहाँ मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ त्रिलोक कपूर जी, राकेश जी और वरिंदर जी और विशाल जी संगठन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। छः तारीख को शाम को 3 बजे दोपहर साई के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं जयराम ठाकुर जी। 6 को 7 को 8 को 9 को वो कांगड़ा प्रवास पे रहने वाले हैं, और इस कांगड़ा प्रवास के दौरान अलग अलग जगहों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जो शिलान्यास उद्घाटन, जो जो प्रोग्राम, और एक देहरा में तो क्योंकि पहली बारी प्रदेश के अध्यक्ष वहां पे आ रहे हैं और जिला की बैठक है देहरा में, उस बैठक में जहां प्रदेश के माननीय अध्यक्ष आएंगे निर्वाचित जो पहली बार बनकर आ रहे हैं, वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पे रहने वाले हैं। इस तरीके से ये 4 दिन का प्रवास आदरणीय जयराम ठाकुर जी का कांगड़ा का रहने वाला है, उसके लिए भी अब सारा सरकार और संगठन उस काम पे लगेगी। मैं केवल आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा
कि कांगड़ा विकास के माध्यम से कहीं पे भी किसी स्तर पे पीछे नहीं। मेरे पास स्पोर्ट्स का महकमा भी है, मैंने प्रपोजल बनाया शुरू कर दिया है, प्रपोजल सिर चढ़ रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी से मैंने बात की है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की सेवाएं हम उसमें ले रहे हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की सेवाएं ले रहे हैं। उस भोलेनाथ की कृपा रही तो बहुत जल्द आपको एक डेढ़ महीने के अंदर एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का गठन कांगड़ा में करके दिखाएंगे आपको, ताकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे कांगड़ा में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है वो कांगड़ा को मिले। मैं इसलिए आपसे ये बातें स्पष्ट कर रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई कमी, किसी किस्म की कोई जिसको कहते हैं कि भेदभाव कांगड़ा के साथ नहीं है। केवल एक जिसको कहते हैं कि एक बहाना बनाया जा रहा है। और आदरणीय जयराम ठाकुर जी एक अनचैलेंजेबल हमारे नेता हैं और अगला चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं एड्रेस कर रहा हूं, पर आपसे मैं ये जवाब पूछ रहा हूं, क्या आपको पता है कि कांग्रेस का नेता कौन है, कि अगला नेतृत्व कांग्रेस का कौन करने वाला है? राय साहब जब तक थे हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते, शायद अगले चुनाव के लिए वो नेतृत्व देने लायक ना, उनकी सेहत ना अलाउ करे, पर हम प्रार्थना करेंगे वो तंदुरुस्त रहें, लंबी उम्र हो। पर उनके बाद अगर आप नेतृत्व देखें तो कम से कम 14 चीफ मिनिस्टर हैं, और जो सबसे बड़ा हमारे पास एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भारतीय जनता पार्टी की है वो हमारा संगठन। कांग्रेस के पास आज कोई संगठन नहीं। इसलिए मित्रों, ये मिथ को हम खत्म करें। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे कांगड़ा में आदरणीय विपिन परमार जी हैं, आदरणीय विक्रम ठाकुर जी हैं, आदरणीय सरवीन चौधरी जी हैं, आदरणीय रमेश ध्वाला जी हैं, आपके सामने आपका भाई राकेश पठानिया बैठा है, संगठन के प्रमुख लोग आपके सामने बैठे हैं। हम सब एक टीम के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जो अगला 2.5 साल का समय हमारे पास पड़ा है, आप इन आने वाले दिनों में देखेंगे।